जाएंगे कुडाल भाई। तो ये आ गया हमारा वड़ा पाव, और बस वड़ा पाव खा के चाय पीते और यहाँ से बढ़ते हैं। यहाँ पे सुपारियाँ हैं, सुपारी देने का है क्या किसी का भाई? हाँ, ये सब सुपारी देने का। देखो भाई व्लॉग कोई देख रहा है, किसी को सुपारी चाहिए तो ये देखो, सुपारी का मैन्युफैक्चरर। ओके गाइस, तो IBW ख़त्म हो चुका है फाइनली, और आज हम निकलने वाले हैं कुडाल के लिए। तो कुडाल इज़ बेसिकली द एंट्रेंस ऑफ महाराष्ट्र एंड द एग्जिट ऑफ गोवा। तो कुडाल जा रहे हैं आज हम लोग, मी एंड प्रसन्ना दोनों, मेरे ही बाइक पे जा रहे हैं हम लोग। या आई नो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे पिलियन के साथ राइड नहीं करना होता है, बट हमेशा कोई ना कोई एक वाइब बन जाती है। तो मैं उसका ट्रेन का टिकट भी बुक्ड है ऑलरेडी आज का। तो कुडाल में उसका घर है, तो हम लोग आज कुड़ाल जाएंगे। कुड़ाल में थोड़ा देर चिल करेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग कल मुंबई के लिए। तो आज का व्लॉग रहेगा कुड़ाल, आज कुड़ाल एंजॉय करेंगे भाई। तो सामान सेट हो चुका है, हमारे सारे बाकी के दोस्त लोग बाहर है, और हम आज जाएंगे कुड़ाल भाई। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोग एंड तक देखोगे, एंड आप लोगों को पसंद भी आने वाला है, क्योंकि एक सबसे मेन क्या है पता है, हमने कोस्टल रूट ऑफ कर्नाटका दिखा दिया आपको, और इस बार हम दिखाएंगे आपको कोस्टल रूट ऑफ महाराष्ट्र। ये इवन आई एम एक्साइटेड, मैं भी नहीं गया कभी। तो चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। पहले होटल का चेकआउट टाइम हो चुका है, थोड़ा एसिडिटी हो गया यार, कल का खाना ठीक नहीं था। ठीक है, नो वरीज। टाइम हो रहा है 11:15, 11 बजे चेकआउट था भाई, ऑलरेडी 2 बार आके बोल दिया उसने। तो लेट्स गो, यहाँ से निकलते, बाइक पे मिलते हैं आप लोगों को। चलो बाय बाय। चल ब्रो, आराम जा। तुम्ही आरामात जा, आम्ही येस, आम्ही पण आरामात जातो। पोहोचल्यावर फोन टाका। सुधाकर भाई बाय बाय। बाय बाय भाई, होप यू एंजॉयड। येस यार, खतरनाक एंजॉय किया भाई, अगली बार भी मचाएंगे, डोंबिवली में आके वापस मिलेंगे। यस, वी विल मीट सून। मचाते हैं, चल भाई। चल भाई, येस ब्रो, चलो। यस 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 बाय। चलो गणपति बप्पा मोरिया, चलो बाय बाय। श्री गणेश भाई, गणपति बप्पा मोरिया। चलो चलो, इस होटल को बोलेंगे जूली एंड जॉली को बाय बाय, एंड हम हमारा जर्नी शुरू करते हैं टुवर्ड्स कुडाल। एंड टुडे प्रसन्ना भाई इज राइडिंग विथ मी, और बस अभी गोवा से निकल रहे हम लोग। इस होटल को और गोवा को दोनों को बोलते बाय बाय, और मजा आ गया भाई। यस, गाड़ी थोड़ी गंदी है क्योंकि यहाँ पे तो मिट्टी में घूम रहे थे हम लोग। ये है बाइक अलाउड का पास, जो सबको नहीं मिलता IBW से, हम लोग को मिला था क्योंकि वी वर स्पॉन्सर्ड बाय IBW। एंड होटल का भी मुझे पता नहीं क्या सीन है, कितने का है क्या है, बस होटल का ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं था, इतना मैं बोल सकता हूँ गाइस आप लोगों को। बाकी रेट वेट मुझे नहीं पता, क्योंकि इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय IBW फॉर अस, सो वी वर लकी। रूम अच्छा था, नो इश्यूज, सर्विस अच्छी थी, नो इश्यूज। ब्रेकफास्ट थोड़ा कच्चा था यार, बाकी हम लोग ने लंच और डिनर तो बाहर ही किए पूरे टाइम। एंड लेट्स गो टू आवर महाराष्ट्र की शान, जो है कोंकण। कोंकण गांव में आज हमारी गाड़ी पहली बार एंटर मारेगी, और मैं भी खुद पहली बार एंटर मारूंगा। एंड थैंक्स टू प्रसन्ना भाई, कि प्रसन्ना भाई ने बोला कि यार अगर अपन बाइक पे जाएंगे तो अपन व्हाई नॉट लेट्स गो टू कुडाल। कुडाल में हमारा घर भी है, और एक दिन मजा भी कर लेंगे वहाँ पे, और मस्त मस्त नज़ारे भी है वहाँ पे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उनके फैमिली से भी मिलेंगे, एंड देन हम चले जाएंगे। कल सुबह हम निकलेंगे मुंबई के लिए, मुंबई के लिए मतलब डोंबिवली के लिए। चलो आप लोगों को मिलते हैं सिटी के बाहर जाके थोड़ा। ओके गाइस, हम लोग हाईवे पे पहुंच चुके हैं, एंड द रोड इज ब्यूटीफुल, और नज़ारे भी ब्यूटीफुल है, और भाई लोग हमारा टैंक भी फुल हो चुका है। एंड अभी तक गाइस, अभी तक मतलब जहां इस सीरीज का जो फर्स्ट व्लॉग होगा, वहां से लेके अब तक हमारी गाड़ी चल चुकी है 318 किलोमीटर, तो विच इज प्रिटी नाइस। एंड और अराउंड हम 600 चलेंगे, 550-600 और चलेंगे,
मतलब गाइस ये था मेरा माइलस्टोन यार, वन ऑफ द बिगेस्ट राइड्स टिल नाउ ऑन दिस पेज एंड ऑन दिस बाइक एंड फॉर माई सेल्फ, तीनों चीजों के लिए. दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट राइड अभी तक का. एंड इट टुक मी, मैं 3 तारीख को निकला था, आज 10 तारीख है, सो अराउंड मैंने 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन घर से बाहर हूँ. फैमिली को मिस कर रहा हूँ अभी थोड़ा थोड़ा, दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, आगे दोस्त तो अपने साथ भी है यहाँ पे, अभी एक दोस्त है अपने साथ भाई, तो दोनों को मिस कर रहा हूँ वैसे तो. लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं. और फैमिली को यार थोड़ा ज़्यादा ही मिस कर रहा हूँ मैं. भाई प्रसन्न भाई वेरी गुड आर्टिस्ट, आप आने वाले दिनों में हमारे पेजेस पे कुछ वो सारे IBW से रिटर्न जा रहे हैं मुंबई. यो क्या नज़ारे है भाई, क्या नज़ारे है यार, इधर के दूर तक देखो हाईवे ही हाईवे मस्त सीधा, और बाजू में देखेंगे तो फुल पहाड़. तो गाइस हम लोग इधर रुके हैं नाश्ते के लिए, तो ये आ गया हमारा वड़ा पाव, और बस वड़ा पाव खा के चाय पीते और यहाँ से बढ़ते हैं प्रसन्ना भाई के घर. आज जाएंगे प्रसन्ना भाई के घर पे और आज एक्सप्लोर करेंगे प्रसन्ना भाई का शहर. तो चलो बस ये खाते हैं और फटाफट यहाँ से कल्टी मारते और एक फुल रेडी चकाचक खाते बढ़ते हैं यहाँ से. बाइक क्या लगता है भाई, कैसा लगा तुमको चला के? बहुत सही है गाड़ी, अभी तो थोड़ा थोड़ा पता चला कैसा है क्या है गाड़ी. अब तो अपने को मुंबई तक जाना है साथ में, चलो आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर में. सो गाइज ये है प्रसन्ना भाई का गांव और ये उनका खेत है भाई. यहाँ पे केले है, यहाँ पे देखो सुपारी चुका है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे सुपारियाँ है. सुपारी देने का है क्या किसी का भाई? हाँ, ये सब सुपारी देने का. देखो भाई व्लॉग कोई देख रहा है किसी को सुपारी चाहिए तो ये देखो सुपारी का मैन्युफैक्चरर. सुपारी, केला, नारियल, ये देखो नारियल सब अपना ही है भाई. कितना नारियल, कितना क्विंटल, कितना किलो चाहिए वो तो बताओ भाई लोग. ये सब भाई सब प्रसन्ना भाई का है यार. गोवा से सच में लगता है, गोवा से ये जगह ज़्यादा ही सही है. सुकून है, सुकून है भाई सच में, सुकून सुकून जिसको बोलते हैं ना, सुकून मिला भैंडी वैसा. ये देखो यार ये ब्रिज बन रहा है, DIY ब्रिज. क्या ही चाहिए यार ऐसे नज़ारे होने के बाद. हम लोग वहाँ पे ट्री हाउस बना लेते पहले बचपन में. कहाँ पे? इधर 4 सुपारी का झाड़ ऐसे एक साथ में है, एकदम स्क्वायर में लगाया जैसा, तो उस पर हम लोग बना देते पहले ट्री हाउस वगैरह. अभी सिर्फ ये छोटा सा बच्चा है कुछ तो ऐसे बैठने के लिए उधर बना देते बचपन में छोटे थे तभी. यार ऐसे जगह पे बचपन गुजरने के बाद कैसे रह रहे हो शहर में यार? रहना पड़ता है क्या देखिए. Thank you.
ओके सो गाइस, हम लोग दोपहर को पहुंच तो गए थे यहाँ पे, पर इसकी मम्मी ने जो डिलीशियस खाना बनाया था ना, हम लोग घोड़े बेच के सो गए। हम लोग ने सोचा था आधा घंटा सोते और सीधा 2-2.5 घंटा गायब हो गए हम लोग। और ये देखो हम लोगों के पीछे क्या है, समुंदर और खुला आसमान। देखो यार कलर, देखो शेड, देखो यार नो फिल्टर्स भाई। और अंधेरा, मतलब कितना टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 6:30 हुए, इधर पूरा अंधेरा हो चुका है। और हम लोग बाइक लेके ऐसे निकले रात को, बस अभी यहाँ पे आए। आप लोगों ने रास्ता तो देखा ही होगा कैसा है। तो चलो इस वीडियो को भी गाइस यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये गांव अच्छा लगा होगा, प्रसन्ना भाई का घर अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस, एंड राइड सेफ, बाय बाय।